हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फॉर टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आपके पर्सन क्या फील करें ये जानने की कोशिश। तो देखते हैं कि आज क्या एनर्जी निकल के आती है। रीडिंग रोज होती है, इंटेंशन तो मेरा आपकी हीलिंग है और इनडायरेक्टली सही ना मैनिफेस्टेशन हो जाता है। तो जनरल है, कलेक्टिव है, तो सब बातें सबके साथ रिजल्ट ना हो, लेकिन इसे दिल से लगाना नहीं है, जो भी निगेटिव एनर्जीज है। लेकिन पॉजिटिव एनर्जीज है तो ज़रूर ज़रूर इसे दिल से लगाना है कि हाँ ये मेरे साथ होगा ही ज़रूर, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा ही किसी का बुरा नहीं चाह सकती और आपका भी नहीं चाहेगी। तो देखते हैं कि आपकी पर्सन जो भी है ना, बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ समझते हैं और अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास वो कब आएंगे वो जानने की कोशिश। क्योंकि खास करके करंट फीलिंग्स हम इसीलिए चेक करते हैं कि क्या कब तक वापस आएंगे, वो वाली चीज़ होती है। हालांकि क्वेश्चन ये नहीं है, लेकिन फिर भी करंट फीलिंग्स, आज की फीलिंग्स क्या है जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एक्शन देखा जाएगा और आपके लिए गाइडेंस भी। लेट्स सी, क्या है इनके ड्रीम में। फोर ऑफ वैंड्स, स्टार, सेवन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, द हैंगमैन। ओके, तीन कार्ड में से ही और दो कार्ड और शफल करके लेंगे हम। ये कार्ड है ना, मुझे पता नहीं कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा था सामने, और एक लवर्स का कार्ड, नो अगर होगा तो ज़रूर आएगा, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक इस मिलने की इच्छा बहुत ज़्यादा फील हो रही है। यस, थ्री ऑफ सोर्ड्स, कोई नहीं आया नहीं, ये सब पेंटिकल्स है, बॉटम डेक है। तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हैंग, क्योंकि इंसान है ना बहुत ज़्यादा, ये जो एनर्जी ना इसमें है, या तो ये एक कोई एनर्जी है वो उनको पकड़ के बैठी है, फिर उनकी मदर हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, कोई करियर हो सकता है, या फिर कोई ना कंस्ट्रेंट इन द फाइनेंसेस, लाइक ना जॉब या करियर में कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ना पकड़ के बैठा है जो चीज़, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन से पकड़ के बैठी है, ऐसा अलग फील है। यहाँ से ऐसा लग रहा ना, ये आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल खुश नहीं है। इन्होंने जो आपको दिल तोड़ के रख दिया ना, वो अभी उनको जो एहसास हो रहा है, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि आपको रुला के उन्होंने बहुत गलत कर दिया। क्योंकि आज जब वो अकेले है, आज जब वो इस सिचुएशन में ना जब चीज़ें मूव नहीं करती, रूटीन या एक रेगुलर लाइफ भी जीना मुश्किल हो जाता है, तो वो तभी फील करता है कि आपने वो पल कैसे बिताए होंगे, हु नोस। मतलब अभी आपके सामने इतनी शर्मिंदा है कि आपको फेस करने से भी उनको डर लगता है, या फिर अजीब सी एनर्जी है। द हैंगमैन कह रहा है कि ये जो सिचुएशन है ना, काफ़ी हद तक जैसे यूनिवर्स ने उनको इसलिए उल्टा लटका के रखा है कि उनका एक पर्सपेक्टिव चेंज हो। उनको लगता था प्रैक्टिकल ही दुनिया सही है, यही होता है, ऐसे ही होता है वाली चीज़ है ना, तो उनका नज़रिया स्पेशली आपकी तरफ, आपकी रिलेशन की तरफ चेंज होने के लिए यूनिवर्स ने उनकी लाइफ में सिचुएशन हैंग करके रखी। जब तक ये अपनी लेसन नहीं सीखते, अपनी समझ नहीं लेते, तब तक यूनिवर्स ऐसे ही हैंग रखेगी। हाँ, ये उनका कर्मा का बात है, जितना जल्दी और जैसे वो अच्छे से सीखे कि एक्चुअली ये हैंग होने का या इनकी सिचुएशन में हैंग रहने का मतलब क्या है। क्योंकि कुछ लोग हैं ना, हैंग सिचुएशन को भी मतलब देखा है मैंने कि उनके पर्सन है हैंग सिचुएशन में है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, करियर नहीं चल रहा है, अच्छे रिश्ते में अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ नहीं चल रहा है लाइफ में, कुछ ग्रोथ तो नहीं, बट इवन सैडनेस या निगेटिव एनर्जी ही ज़्यादा है। लेकिन फिर भी एक कदम उठाना चाहिए कि भाई अपनी लाइफ में ये सिचुएशन अचानक से क्यों आई है और ये क्यों इम्प्रूव नहीं हो रही है, ये बात का कभी ध्यान ही नहीं देते।
कभी सोचते भी नहीं है इस बारे में, उनको लगता है कि सब याद आई तो कुछ लोग है लिटरली एडिक्शन का सहारा लिया, अपने आप चुपचाप बैठ लिए तो वो होता है, तो कुछ लोग अपनी नसीब को कोसते हुए बैठ जाते हैं, हाँ ठीक है मैंने गलती कर ली है इसी के सजा में भुगत रही हूँ। अभी ये जो एडिक्शन वाला पार्ट है वो मेल्स में ज़्यादा दिखता है, और जो बोलते ना अपनी गलती मानकर अपने आप को ही कोसना, यही मेरा नसीब था, यही मेरे कर्म थे, ये सोच के बैठना एक फीमेल पार्ट्स में ज़्यादा देखा गया है। ज़रूरी नहीं कि 100% सही है, बट ज़्यादातर देखा गया है। तो एक कदम उठाना होता है, यही तो कार्मिक बैगेजेस क्रिएट करते हैं, यही सिचुएशन जब आपके सामने प्रॉब्लम्स इसलिए लाके खड़े कर दिए हैं कि आपको उसका सोल्यूशन करना है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि भाग खड़े होना है कि चलो ये अच्छा लग रहा है तो वो करे, ऐसा नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा ना कि मतलब इनकी बात करो कि इनको समझना पड़ेगा कि लाइफ में सही डिसीजन क्या होता है। हम सिर्फ अपने आप को परेशान नहीं करते, हम किसी तीसरे पर्सन या थर्ड पर्सन को भी परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे तीन लोग अचानक से सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाते हैं। एक तो वो खुद है, दूसरा चीज़ आप हैं, जहाँ पे आपका भी मन दिल यहाँ पे पूरा चैन से नहीं है जब तक ये नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन से एक दूसरे से आप जुड़े हुए हैं, और तीसरा पर्सन है, तीसरी सिचुएशन है, वो भी तो परेशान है क्योंकि वहाँ पे उनका एक रवैया है, एक रूटीन है, वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, उनके भी वो रिश्ते ठीक नहीं हो रहा है। क्योंकि रिश्ते मतलब ऐसा नहीं होता ना कि भाई एक टैबलेट खा लिया और अच्छे से चल गए, इस तरह से नहीं होता। तो हर चीज़ का जो मन का असर है ना, वो बहुत सारी चीज़ों पे दिखने लगता है। वही काइंड ऑफ सिचुएशन इनकी भी है, लेकिन वही चीज़ है कि समझना सीखे, हार्ट चक्रा जो ब्लॉक है उसे खोलना तो चाहिए। इनकी बात करने की आपकी इच्छा बहुत बहुत ज़्यादा है। ये आपको जो मिस कर रहे हैं ना, वो सोल लेवल पे है, ये सोल कनेक्शन है, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, ये लिटरली एक सोल कनेक्शन फील कर पाते हैं आपके साथ, और उसी को मिस किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा एक ख्याली पुलाव में है, या यहाँ पे आपके साथ या तो शादी कमिटमेंट के बारे में स्ट्रांगली सोच रहे हैं, या फिर अगर शादी हुई है तो उसे पैचअप करने के बारे में सोच रहे हो, विश मांग रहे हो, क्योंकि अगेन वही फील होता है कि जिस तरह से सिचुएशन बिगड़ चुकी है या बिगड़ के रख दी है इन्होंने, तो उनको लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, तो यूनिवर्स कुछ मदद करे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह दिखते हैं, उन तूफानों में और जो समुद्र में वो जो तारा दिखता है ना, तो एक सी तारा, ध्रुव तारा कहते हैं, तो वो जैसे दिशा दिखाता है, वैसे ही आपको मानते हैं कि आपके सहारे कुछ इस प्रॉब्लम से वो निकल के आएंगे, बाहर निकल के आएंगे, वो फील होता है। अभी जो एक मुझे ना इनका एक डिफेंसिव अप्रोच भी लग रहा है, कभी कभी ना अपने लाइफ में जो भी चल रहा है ना, उसे बस अपना नसीब बन के, नसीब समझ के कोसना भी एक इनकी सिचुएशन में चल रहा है, इसीलिए सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होती है। आपको लगता है ना कि रीडिंग इतनी पॉजिटिव होती है, लेकिन होता क्यों नहीं है? एक तो रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, और दूसरी चीज़ है कि आपके पर्सन की तरफ एक सोल जो होता है ना, सोल को एक जर्नी कम्प्लीट करनी है, वो नहीं होता। बस अपने आप को नसीब खराब है बोल के छोड़ देना है, मेरे नसीब में यही था, मैंने गलती की है, या फिर अभी मेरे नसीब में तो ऐसा ही होना था, ये बोल के सब छोड़ देना है। बट इससे आगे भी कुछ हो सकता है, ये बात समझना ज़रूरी है। वो चीज़ दिख रही है, ये अपने आप को डिफेंड करने में बहुत ज़रूर लगे, स्पेशली वर्क प्लेस पे, क्योंकि वहाँ पे उनका ना एक मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, एक एक्साइटमेंट नहीं है काम में कि चलो ये करते हैं वो करते हैं, किसके लिए करना है, क्यों करना है, जस्ट रूटीन तो फॉलो करना है, बट उसमें परफॉर्मेंस नहीं होने की वजह से कहीं दिक्कतें हो सकते हैं कि काम में दिक्कतें हों। ये तो फिर सिर्फ वर्क लाइफ में नहीं है, जनरली एक प्रोफेशनल लाइफ या एक लाइफ जो समाज के साथ जीती है वहाँ पे मुझे वही फील हो रहा है। ये स्ट्रांगली आपके साथ यूनाइट इसलिए होना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अभी तक अगर आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था तो वो स्टैंड लेना चाहते हैं, काफ़ी हद तक ना आपका इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर इनको इस बात का एहसास हो रहा है कि आप भी इंतज़ार कर रहे हो किसी कमिटमेंट का, किसी स्टेबिलिटी का, तो वो करना चाहते हैं। बहुत होपफुल है, लेकिन कहीं ना कहीं होप डगमगा जाता है, तो वो चीज़ स्पेशली मुझे लगता है कि जब से आपने एनर्जी देना छोड़ दिया है, आपने पीछे भागना छोड़ दिया है, तब से हालत ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि पहले कुछ था ना कि चलो अपने पास कुछ है तो सही, लेकिन अभी वो एनर्जी फील नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में कि अपना क्या बनेगा वाली चीज़ बहुत ज़्यादा है। ये स्ट्रांगली आपसे मिलने, आपके कमिटमेंट करना, आपको पास ऑफ़र लेके आना, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा
फील हो रही है, स्पेशली दिस इज थिंग. जल्द से जल्द आपके पास आना हो या जल्द से आपसे बात करनी हो, ये इच्छा बहुत बहुत स्ट्रांग दिख रही है. क्या करेगी? पास्ट लाइफ में सुबह की रीडिंग में भी ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट था. मेक द एफर्ट. न्यू लव. दिस कुड बी द वन. स्टे ऑप्टिमिस्टिक और लव योर सेल्फ फर्स्ट. बॉटम डेक है ट्रू लव. दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम. तो यूनिवर्स का कहना है कि यस, ये आपके पर्सन जो है जो दिखा नहीं रहे, ये इनकी मतलब आप इनकी हरकतें से इनकी जो रिस्पॉन्स नहीं करना है, इसकी वजह से अगर आपको लग रहा है कि क्या समझे इसको, क्या समझ में हमें क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, तो यूनिवर्स का कहना है जो भी है जैसा भी है, लेकिन दिस इज़ योर ट्रू लव. दिस इज़ योर ट्रू लव. एंड यही वो पर्सन है जो यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सिक. तो दिस इज़ द पर्सन. हालांकि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, बात ध्यान रहे, बट स्टिल मुझे जिनके लिए मैसेजेस है तो ये उनका सच्चा प्यार है और यही पर्सन है जो उनसे मिले हुए हैं, जिनकी सेपरेशन में आप रीडिंग देख रहे हो. और यूनिवर्स का कहना है इवन ये भी ऑप्टिमिस्टिक है, उनको लगता है कि इतना सब होने के बावजूद भी, इतना बिगड़ने के बावजूद भी कुछ हो सकता है. पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस. तो उनके ज़िंदगी में जो प्यार है वो रिटर्न आ सकता है, क्योंकि जस्ट पॉजिटिव थिंकिंग, ऑप्टिमिस्टिक रहने की वजह से हो सकता है. लव योर सेल्फ फर्स्ट. योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव. तो हमेशा जैसे मैं कहती हूँ, अपने आप से प्यार करिए, अपनी सेल्फ वर्थ क्रिएट करिए, और वही चीज़ अपने पार्टनर को अट्रैक्ट ज़्यादा करती है. और न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टार्ट योर रोमांटिक फीलिंग्स. तो कुछ लोगों के केसेस में ये ना मुझे क्रश की फीलिंग्स वाला वाइब ज़रा है कि क्रश सिचुएशन हो सकती है, या कोई नई पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में अचानक से हो सकती है. बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन है ना लिटरली ट्रांसफॉर्म हो रहे, वो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रही है. मेक द एफर्ट. ये पर्सन आपकी जो कनेक्शन में जो भी उन्होंने गलतियाँ की है या करना चाहिए, गलती नहीं, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड बोल रही हूँ, वो करना जो चाहिए वो करना चाहते हैं. स्ट्रांगली इनको फील, इनको भी कहीं ना कहीं इंट्यूशनली फील हो रहा है कि आपका दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है. तो मुझे यहाँ पे एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स की वाइब दे रही है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन की वाइब ज़्यादा दे रही है. तो ये इश्क नहीं आसान, तो ये चीज़ है, भले वो जो दिखता है वो होता नहीं है, सच नहीं है. ये बहुत कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं या बता नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. शायद इनका कॉल मैसेज आज ही आ सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा. देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है. नेक्स्ट एक्शन क्या, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे? पैशन इग्नाइटेड. Memories of love. अच्छे से शफल. Four of Wands दूसरी बार आया है. Four of Wands. ओ, स्टार की एनर्जी वापस आई है. पॉजिटिव मोमेंट फॉरवर्ड. न्यू बिगिनिंग. दो लास्ट कार्ड. विक्ट्री एंड सक्सेस. ट्रांसफॉर्मेशन. एक लास्ट कार्ड. यस, ट्रैप्ड इन फियर. बॉटम डेक है विजडम. इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहीं ना कहीं बढ़ रही है. ये फिलहाल ऐसे ना ऐसे स्टेज में है, ट्रैप्ड इन फियर, हैंगमैन सिचुएशन, जहाँ पे उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्यों, कैसे, कब ख़त्म होगा. लाइक गलती का पछतावा भी है और सिचुएशन से नाराज़ और ये वाली एनर्जी भी है, लेकिन स्ट्रांगली ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं.
इस रिलेशन में जो भी हो रहा है ना या अपने लाइफ में हो जो हो रहा है उसके साथ वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, उनको बहुत ज़्यादा फील होता है कि नई शुरुआत होगी ज़रूर। इनको बहुत ज़्यादा होप है, स्पेशली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होप है, आपके प्यार पे ऊपर होप है कि यही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा एक नई दुनिया दे सकती है। इनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जोर शोर से शुरू है। ये जो उनके साथ हो रहा है ना, बेसिकली उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हो रहा है, तो होना बहुत ज़रूरी है। इनकी अकड़ है, इनकी ज़िद है, इनके बिलीव्स है, ये टूटना बहुत ज़रूरी है ताकि ये ज़िंदगी में आगे पॉजिटिवली सोच सके। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, मैंने कहा ना पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की एनर्जी है जहाँ पर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी पॉजिटिवली। विक्ट्री एंड सक्सेस इस रिश्ते में होकर रहेगा, ये आपकी मेमोरीज में बहुत ज़्यादा खोए रहेंगे, बहुत ज़्यादा मेमोरीज। सिक्स ऑफ कप और पास्ट लाइफ कनेक्शन की वाइब्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और पैशन इग्नाइटेड, बहुत ज़्यादा पैशनेट आपके लिए, बहुत ज़्यादा। तो बहुत खूबसूरत कि यहाँ पे ना फोर ऑफ माइंड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और होप स्टार की एनर्जी, जैसे विश फुलफिलमेंट, आपने जैसे कोई मंदिर मांगी हो वो चीज़ पूरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ये जो है ना आपका जो स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप है, शादी का, वो सब होकर ही रहेगा वाली एनर्जी है, होकर ही रहेगा। गाइडेंस आपके लिए, एंजेलिक प्रोटेक्शन और फ्रेंडशिप एंड यूनियन, इनर चाइल्ड हीलिंग। आपको हीलिंग प्रोसेस की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली अंदर ही अंदर जो आपने एक तकलीफ, गुस्सा, जलन कुछ भी पाल के रखी है, तो उसे हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। खास करके आपके प्रीवियस कनेक्शन हो या फिर बचपन के कोई इशूज है, चाइल्डहुड ट्रॉमाज है, उसे हीलिंग की बहुत बहुत ज़रूरत है। आप अंडर एंजेलिक प्रोटेक्शन हो, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी भी निगेटिव एनर्जी हो या फिर आपको निगेटिव होने से बचा रहे हैं, एंजेलिक प्रोटेक्शन में हो आप, एंजल्स आपके साथ हैं। भले आपको दिखता नहीं, आपको फील नहीं होता, लेकिन आप फील करके देखिए कि एंजल्स आपके साथ ही हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड फ्रेंडशिप एंड यूनियन, एज आई से लाइक कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये पर्सन दिल से चाहते हैं कि आपके साथ यूनियन हो, रीयूनियन हो, जहाँ पे एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स है वो जाहिर, मतलब जो जो प्यार जो समझ नहीं पाए थे एक दोनों उतनी गहराई से, अभी वो ज़्यादा समझने लगे हैं। तो ये फ्रेंडशिप, ये यूनियन होकर ही रहेगा वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।